हे गाइस, दिस इज प्रशांत एंड यू आर वाचिंग न्यू इंडियन एरा। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर 7 है साइंस क्लास 10th का और ये इसका पार्ट 1 है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इसे शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चैप्टर 7 जिसका नाम है लेंस, साइंस 1 का है ये। हम लोग देखने वाले हैं ऑल इंक्लूडिंग टॉपिक्स विद बेसिक कंसेप्ट्स। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसमें एकदम आप लोग को बहुत ही अच्छे से एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ बताऊंगा, जिससे आप लोग कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोग को कहीं और भी नहीं समझता है तो आप इस पूरी वीडियो को लेंस की वॉच कर लीजिए, आप लोग को सब कुछ समझ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जो मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वीडियो डाली थी उसे भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी लाइट से रिलेटेड है। और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर अच्छे समझ जाएगा, अगर कुछ भी डाउट नहीं हुआ रहेगा तो। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट कीजिए, आपके आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो मैं हूं प्रशांत, फ्रेंड्स आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा। तो प्लीज़, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली स्लाइड में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे चैप्टर का नाम है लेंस, तो लेंस के बारे में हम लोग सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले अगर लेंस चैप्टर है, ठीक है, लेंस के जो भी टाइप्स हैं, कॉन्वेक्स है, कॉन्केव लेंस है, ठीक है, वो सब कुछ हम लोग देखने ही वाले हैं। और भी लेंस क्या होता है, कैसे इमेज फॉर्म करता है, वो सब कुछ, उसके लॉ क्या है, वो सब कुछ देखेंगे। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि लेंस क्या है। पहले ये समझना जरूरी है कि लेंस ही क्या है। अगर लेंस समझ गया तो फिर सब समझ जाएगा। तो लेंस क्या है पहले वो देखते हैं। ए लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस। अब देखो, अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बताया था कि ट्रांसपेरेंट मीडियम एक ऐसा मीडियम, समझ लो एक ये ग्लास है और ये ग्लास एक ऐसा मीडियम है जो कि ट्रांसपेरेंट है। और इस वर्ड ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है एक तरफ से उस तरफ देखने वाला, मतलब इस साइड से आप उस साइड को देख सकते हैं। समझ लो आपके सामने एक वॉल है, तो इस साइड से आप उस साइड को देख सकते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट वॉल। वैसे ही एक मीडियम, कोई भी मीडियम, चाहे वो रेयरर हो, चाहे गैस वाला हो, चाहे डेंसर वाला हो, कोई भी हो, तो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है वो इस साइड से उस साइड देख सकते हैं। तो वैसे एक लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहाँ से लाइट इस साइड से जाती है और उस साइड से निकल जाती है, समझ गया, तो उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। द लेंस विच हैज टू स्फेरिकल सर्फेसेस विच आर पफ्ड अप आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स और डबल कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो उसका बोलने का मतलब क्या है, हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि समझ लो ऐसा बोल रहा हो, एक ऐसा है फिर एक ऐसा है, ठीक है, तो वो पफ्ड अप होता है, यानी कि स्फेरिकल ही है, हाफ स्फेरिकल है, ये भी हाफ स्फेरिकल है, और दोनों पफ का मतलब होता है फूलना, तो ये इधर भी फूला हुआ है, इधर भी फूला हुआ है, ठीक है। नाउ दिस लेंस इज थिकर नियर द सेंटर एज कम्पेयर टू द एजेस। अब देखो यहाँ पे तो ये थिकर ही रहेगा ना, और यहाँ पे क्या रहेगा, सेंटर पे, यहाँ पे थिनर है पर यहाँ पे थिकर है, वही बोल रहे हो। नाउ द लेंस विद बोथ सर्फेसेस स्फेरिकल ऑन द इन साइड इज कॉल्ड अ कॉन्केव और डबल कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस। इसको हम लोग डायग्राम में समझेंगे कॉन्केव के बारे में। दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर एज कम्पेयर टू इट्स एजेस। अब देखो ये भी क्या है, तो देखो सबसे पहले यहाँ से एक क्या लॉजिक बन के आ रहा है कि जो लेंस है वो दो टाइप का है, एक कॉन्केव है एक कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब इनको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ब्लैंक वाली स्लाइड में। ब्लैंक स्लाइड में मैं आप लोग को बहुत अच्छे से सब कुछ बताऊँगा। इसमें हम लोग देखते हैं, समझ लीजिए लेंस है, एक लेंस के कितने टाइप थे, दो टाइप थे, पहला वाला कॉन्वेक्स, दूसरा वाला कॉन्केव, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इनके बारे में अच्छे से। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स वाला, कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो ऐसे दिखता है, देखो ऐसे। अब समझ लो ये जो ऐसा लेंस है, इसकी एक ये बॉडी हो गई, एक ये बॉडी हो गई, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है, बार बार बोल रहा हूँ, कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसमें एक हाफ पार्ट ये स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, यहाँ पे ये थिनर होता है नॉचेस में, और सेंटर में ये थिकर होता है, देखो ठीक है, इसका जो विथ है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे वाले लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस,
ठीक है। दूसरा है जो कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव वाले में हम लोग उसको देखते हैं। तो कॉनकेव वाला लेंस देखो ऐसा होता है, एक देखो वहाँ पे कैसा था ऐसा, और कॉन्वेक्स का टोटली अपोजिट ये होता है कॉनकेव लेंस। यहाँ पे ऐसी बॉडी इसकी ऐसी है और ये वाली ऐसी है, तो इसका टोटल अपोजिट जो ये वाली बॉडी है वो ये ऐसी हो जाएगी और ये वाली बॉडी ऐसी हो जाएगी। अब इसको अटैच भी करना है तो ऐसा अटैच हो जाएगा, मिनिस्कस ऐसा, यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर पे जो विथ है वो क्या होगा, लेस है, और यहाँ पे जो नॉचेस साइड है, यहाँ पे साइड में यहाँ पे इसका जो विथ है वो ज़्यादा है। तो ऐसे वाले लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं, ऐसे वाले लेंस को हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है। लेंस के दो टाइप होते हैं, एक है कॉनकेव एक है कॉन्वेक्स, जिसमें से जो कॉन्वेक्स है वो ये वाला है और कॉनकेव है वो ये वाला है, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं अच्छे से आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और एक चीज़ और, आप चीज़ हमेशा एक ध्यान रखना, समझ लो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, क्योंकि लेंस ही एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जहाँ से एक तरफ से लाइट, समझ लो इस साइड से लाइट इस साइड में अपने आप आ जाएगी, समझ गया, वो ट्रांसपेरेंट कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा लाइट को, रिफ्रैक्ट कर देगा। इसलिए मैंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बताया था कि जो लाइट होती है वो लाइट एक लाइन ऑफ फोर्स, जो लाइन ऑफ सोर्स, समझ लो लाइन है यानी कि स्ट्रेट लाइन में जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रेवल करती है। तो ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे आएगी और ये सेंटर है, यहाँ से निकल के ऐसे लाइट ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, समझ गया। तो सेंटर है और यहाँ पे ये नॉर्मल होता है, ये क्या होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सेंटर से लाइट निकल के और ऐसे बाहर निकल जाती है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एकदम बेस है इसका। तो अगर आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाए तो ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल है, मिरर का समझ लो, मिरर छोड़ो समझ लो ग्लास का एक बॉल है, ठीक है। तो उस ग्लास के एक बॉल में ऐसा, यहाँ पे देखो ये मिरर हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जो कॉनके जो मिरर होता है वो यहाँ पे देखो मिरर ऐसे होता है, समझ लो एक ऐसा मिरर है, देखो ऐसा 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 होता है और एक ऐसा होता है ऐसा 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 होता है, ठीक है। तो ये मिरर ही होता है, तो यहाँ पे देखो कैसे मिरर फॉर्म हो रहा है, ये सेंटर है और यहाँ से इसका ये रेडियस है और ये मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर इसको बोलते हैं, ऐसे वाले मिरर को स्फेरिकल मिरर भी बोलते हैं। इसलिए मैंने इसकी सिर्फ आपको डायग्राम दिखाई है जो कि थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है दिखानी। हम लोग देखते हैं थोड़े बहुत और लेंस के टाइप्स जो कि होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम के एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, किसी डायग्राम इनका क्रिएट करने को बोला जा सकता है, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही है, तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखो बाय कॉन्वेक्स, अब एक तो मैंने कॉन्वेक्स आपको दिखा दिया था, अब बाय कॉन्वेक्स देखिए कैसा होता है, यही है बाय कॉन्वेक्स लेंस। ये कौन सा लेंस है, बाय कॉन्वेक्स है, क्योंकि देखो एक यहाँ पे कॉन्वेक्स और यहाँ पे एक कॉन्वेक्स, जिसको बाय, बाय मतलब टू, टू कॉन्वेक्स, तो इसको बाय कॉन्वेक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। प्लेनो कॉन्वेक्स यानी एक साइड तो कॉन्वेक्स रहेगा पर एक साइड प्लेन रहेगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव मिनिस्कस, अब और यही निगेटिव मिनिस्कस, इन दोनों को समझते हैं, पहले ये देख लेते हैं। बाय कॉनकेव, अब एक कॉनकेव ये है, दूसरा कॉनकेव ये है, फिर प्लेनो कॉनकेव, एक साइड प्लेन रहेगा एक साइड कॉनकेव रहेगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। कॉनकेव बोला तो कॉनकेव जैसा, और एक प्लेनो कॉनकेव तो एक साइड प्लेन और एक साइड कॉनकेव वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ लेंसेज थे, और पॉजिटिव मिनिस्कस समझ लीजिए और निगेटिव मिनिस्कस समझ लीजिए। मिनिस्कस का मतलब होता है नॉच, ठीक है। अब देखो अगर पॉजिटिव यानी कि अगर जो यहाँ पे ये फॉर्म है लेफ्ट साइड में, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, तो ये पॉजिटिव मिनिस्कस फॉर्म करेगा, यहाँ पर मिनिस्कस फॉर्म होता है साइड में, यहाँ पर मिनिस्कस फॉर्म होता है। तो अगर दोनों उसकी जो लाइन है, जो दोनों सरफेसेस, सिर्फ आप इतना समझिए, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो और आपको पूरा डाउट हो जाएगा, सिर्फ इतना समझिए कि जो दोनों इसकी लाइंस है, अगर ये राइट तरफ, अगर ये इनका टर्न, समझ लो ये राइट राइट साइड में इनका मोशन है या फिर इनका लोकेशन है, देखो राइट साइड में ऐसा, तो ये पॉजिटिव मिनिस्कस फॉर्म करेगा। देखो इस साइड भी राइट में जा रहा है और ये पूरा ऐसा लेफ्ट में जा रहा है, तो अगर ये लेफ्ट में जा रहा है, देखो ये भी लेफ्ट में जा रहा है, तो वो निगेटिव मिनिस्कस है। ये चीज़ आपको याद रखना है बस, और इससे बड़ा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है इसमें। तो ये ऐसे वाला पॉजिटिव मिनिस्कस, ये ऐसे वाला निगेटिव मिनिस्कस, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। ऐसी डायग्राम अगर एग्जाम में पूछता है तो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लेंस होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये क्रिएट कैसे होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब लेंस के बारे में सब कुछ पढ़ना ही है तो ये भी तो समझना ही पड़ेगा, और ये एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं। हमारे पास एक ग्लास है, स्फेरिकल एक ग्लास है, और उसको हमने ऐसा कट किया,
एक पहले पहले वाले को देखो, ये वाला एक स्फेरिकल ग्लास है और दूसरी वाली ये स्फेरिकल ग्लास है। इसको हमने एक ऐसा ऐसा कुछ कट करके ऐसा देखो यहाँ से सेंटर का पार्ट निकाल लिया है। वैसे यहाँ पर भी ऐसा हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे करते हैं, देखो स्फेरिकल ग्लास को ऐसी सेटिंग करते हैं और फिर इसके इसके साइज का हम लोग एक कट कर लेते हैं, तो इससे हम लोग को दो टाइप के लेंस मिल जाएंगे। समझ लो ये एक स्फेरिकल ग्लास है, यहाँ से हम लोग ने ऐसा इसको कट किया और ये वाले को ऐसा कट किया, तो यहाँ से हम लोग को कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएगा। और इसका एक सेंटर भी होगा, देखो यहाँ पे सेंटर है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन सब की डेफिनेशन हम लोग अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है। और देखो ये बड़ा वाला जो सर्कल है और ये छोटा वाला सर्कल है, इन दोनों से मिला के एक कॉन्वेक्स लेंस बना है, तो इसका भी एक सेंटर है, इसका भी एक सेंटर है। ये दोनों सेंटर हमेशा जो होते हैं ना फोकाए बनाते हैं, फोकस बनाते हैं। और ये एक लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसमें सबको डाउट होता है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। सबसे पहले देख लो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये एक दूसरे वाले सर्कल का ये पार्ट है और ये दूसरे वाले सर्कल का पार्ट है। तो यहाँ से समझ लो ये सेंटर ये वाले सर्कल का, तो ये ऐसे एक एक रेडियस बनेगा। और ये वाला अगर समझ लो दूसरे ये वाला सेंटर है, ये वाला सेंटर है, तो ये ऐसे रेडियस बनाएगा। जैसे देखो इसका रेडियस ये वाले से टच है, इसका रेडियस ये वाले से टच है, ठीक है। तो जब ऐसा रेडियस टच है तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब कर्वेचर का मतलब क्या है, जो कर्व फॉर्म करता है उसको बोलते हैं कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्व है इसका रेडियस, समझ गया, ये जो कर्व है इसका रेडियस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये समझ गया। वैसे ये भी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे ये सेंटर है और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखो ये इसका ये कर्व है और इसका रेडियस है, ये इसका कर्व है और ये इसका रेडियस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कॉन्केव लेंस का हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था, ये ऐसा रेडियस ऑफ कर्वेचर था, प्रिंसिपल एक्सिस था, फोकस जो होता है ये यहाँ पे फॉर्म होता है, ये फोकस होते हैं। जब हम लोग ऐसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये फोकस ही क्रिएट होते हैं। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ठीक है। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ध्यान से देख लो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मतलब जो क्रॉस सेक्शन होता है कैसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस क्रिएट होते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके फ्रेंड्स, तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यू इंडियन एरा। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, हम लोग इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेंगे आपके सारे डाउट्स। तो तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।